हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं वापस आ गया एक और न्यू व्लॉग के साथ, और मैं जा रहा हूँ हेंडरसन वे, उस हेंडरसन ब्रिज जहाँ से सिंगापुर का व्यू दिखने वाला है, और साथ में सनसेट भी देखने को मिल जाएगा। क्योंकि अभी तो बारिश होने वाली है, तो मुझे नहीं लगता सनसेट देख पाओगे। और बहुत ही घना जंगल है, इस घने जंगल में मैं अकेला हूँ फिलहाल, और मैं जा रहा हूँ GPS ऑन करके जा रहा हूँ। तो देखता हूँ आ गया हूँ पास में ब्रिज कहाँ पे है, और आपको भी दिखाता हूँ। आइए शुरू करते हैं। फाइनली गाइस, मैं हेंडरसन ब्रिज आ गया हूँ, और आपको दिखाता हूँ हेंडरसन ब्रिज बस कुछ इस तरह से है। यहाँ पर सनसेट का टाइम हो रहा है, लेकिन भीड़ बहुत कम है क्योंकि पानी आने वाला है। देखते हैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं देख लेता हूँ और वापस निकलता हूँ घर के लिए। हेंडरसन वेव्स कंप्लीट हो गई, और अब मैं जा रहा हूँ माउंट फेबर की ओर, क्योंकि अभी टाइम है और पानी का मौसम हो रहा आ नहीं रहा है, तो मैं माउंट फेबर की ओर जा रहा हूँ। वहाँ का भी व्यू दिखा देता हूँ। तिलोक ब्लांगा हिल पार्क है, और हेंडरसन ब्रिज है, और इसके जस्ट साइड में माउंट फेबर पार्क है जो बहुत अच्छा है। वहाँ से केबल कार भी मिलती है, और वहाँ से ऑलमोस्ट सिंगापुर पूरा दिख जाता है, तो मैं वो भी इसी वीडियो में कवर कर लूँगा। तो आइए आपको दिखाता हूँ और चलते हैं, जंगल से जाता हूँ, जंगल के रास्ते से जंगल का व्यू कैसा होने वाला है दिखाता हूँ। तो आइए वीडियो में बने रहिए। ये मेरे पीछे जो बड़े बड़े टावर दिख रहे हैं, ये इधर ये समुद्र का व्यू है पूरा, और बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम खुली हवा, ताज़ा मौसम। तो गाइस, ये ब्रिज बहुत ज़्यादा हाइट पर है, और ये मेरे पीछे ये देख सकते हो, नीचे बहुत ही ज़्यादा, अगर ये रोड दिख रहा है मेरे पीछे,
और ये जो पहाड़ी दिख रही है यहाँ पर माउंट टेबर पार्क है, और मैं वहीं जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। इस डरावने और घने जंगल में भाई अकेला, मैं जब आया था स्टेयर से ऊपर तो भाई ब्रक तक ऑलमोस्ट ये मेरे घर से अराउंड 850 मीटर है, लेकिन मैं यहाँ पर एंडरसन ब्रिज एंडरसन जो कभी नहीं आया, बिकॉज मुझे नहीं पता था। आज मैंने तो सर्च किया ये ब्रिज कहाँ पे है, तो मैंने तो सोचा ये तो मेरे घर से जहाँ रहता हूँ वॉकिंग डिस्टेंस था, तो मैं निकल आया क्योंकि यहीं ऊपर माउंट टेबल पार्क है। वहाँ मैं 2-3 बार आया था, यहाँ नहीं आया, इसलिए मैंने सोचा चलो व्लॉग भी शूट कर लेंगे और घूमना भी हो जाएगा। एक गर्मी हो रही है, मेरे सिर पर पसीना हो रहा होगा, तो देखते हैं माउंट टेबल पार्क चलते हैं और दिखाता हूँ आपको। सिटी का व्यू है कुछ इस तरह से, पूरा सिटी का व्यू है ये, पूरा सिंगापुर सिटी का व्यू है, वो ज़्यादा हाइट से देख सकते हो आप ये। अब इसके मैं माउंट टेबर के टॉप पे जाता हूँ, अभी तो मैं नीचे हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट पे तो चलने में बहुत पसीना आ रहा है भाई, पूछ मत, बहुत ज़्यादा ऊपर है, दम भी आ रहा है, बैठ जाऊँगा। ये पीछे का व्यू कुछ इस तरह से है, ये जो दो टावर मेरी फोटो में देखे होंगे आपने, ये सी साइड एरिया है। यहाँ पे सारी वेंडिंग मशीनें लगी है, आपको आइसक्रीम मिल जाएगी और कुछ पीनट्स नमकीन मिल जाएगा और वाटर मिल जाएगा पीने के लिए, तो पी सकते भाई, बहुत एक्सपेंसिव है, आप घर से ले आना तो अच्छा रहेगा, यहाँ बहुत महंगा है। आइए आगे देखते हैं क्या है उनको। इन्होंने हिल पे जाने का रास्ता बंद कर रखा है, यही जस्ट ये ऊपर है, यही है, यहाँ सब कुछ दिख सकता था लेकिन बंद कर रखा है। देखता हूँ यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए इन्होंने बंद कर दिया है। आगे देखते हैं, अगर कुछ जाने को मिल जाए तो ठीक है भाई, नहीं तो यहाँ से घर लौट जाएंगे, क्या कर सकते हैं, तो देखते हैं ऊपर जाने का कुछ सॉल्यूशन निकल जाए। कुछ भी निकल रहा था भाई, नीचे जा सकते हो जंगल के रास्ते से, लेकिन मैं नीचे नहीं जाऊंगा भाई, यही हिल है, यहाँ से पूरा सिंगापुर देख सकते थे आप, लेकिन किस बात अच्छी नहीं आई भाई। आगे देखते हैं। सो गाइस, मैं हिल पर नहीं जा सकता क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन में है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो मैं अंदर एंट्री अलाउ नहीं है फिलहाल, कम्प्लीटली बंद है, तो पार्क पार्क घूम लेते हैं, हिल पर नहीं जा पाए बस, बाकी तो पूरा पार्क कवर हो ही जाएगा। एक और हिल है उस साइड, तो चलते हैं, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा अच्छा व्यू नहीं है, लेकिन बैठने बैठने के लिए बहुत अच्छी जगह है, तो आप बैठ सकते हो और इंजॉय कर सकते हो। बट मैं मेरे रूम के बहुत नज़दीक है, तो मैं बहुत बार आया हूँ, लेकिन क्या हो रहा भाई, वीडियो नहीं बनाया था, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अब आगे उस साइड चलते और देखते हैं क्या सीन होने वाला है भाई। अगर आप केबल कार की राइड लेना चाहते हो तो यहाँ से ले सकते हो, और हावर पॉइंट से भी मिल जाएगी, लेकिन माउंट टेबल पार्क से भी ले सकते हो।
क्योंकि वहाँ से भी नहीं आती है और यहाँ से भी हो ही जाती है, तो कोई तो यहाँ से भी आप ले सकते हो। बहुत अच्छी राइड है, मैं 3 या 4 बार कर चुका हूँ। आगे दिखाता हूँ और आगे क्या है। इसी के हिल के जस्ट अपोजिट साइड कौन सा व्यू दिखाता हूँ आपको। अगर आपको इससे देखना हो तो देख सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा झूम में दिखाता है। अगर आप कुछ व्यू हिल पर भी वहाँ पर भी 2-3 लगे हुए हैं, मैं पिछली बार आया था तो मैंने देखा था, लेकिन अच्छा दिखता है, क्लियर दिख जाता है, ब्लर नहीं होता है, तो अच्छा है। अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो, मैंने तो बहुत बार देखा है। सब वीडियो को यहीं रखते हैं और अब मैं जा रहा हूं घर की ओर। अंधेरा भी हो गया है, ऑलमोस्ट 7 o'clock टाइम हो गया है और मुझे अब जाना चाहिए, क्योंकि मैं एक बार मैं रात को 2 या 3 बजे भी आया था इस जंगल में, जहां से गुजर रहा हूं अकेला गुजरा था एक बार। अरे तुम आज से लगभग 5 से 6 महीने पहले मैं अकेला इस रास्ते से गुजरा था जंगल के, और भी थे लेकिन साथ में 3-4 लोग थे, लेकिन हम बिछड़ गए थे इस घनी वादियों में, तो सब अलग अलग हो गए थे। और भाई कितना घना जंगल है, इसका मेन इंटरेस्ट और वे अलग है, लेकिन मैं जंगल के रास्ते से जा रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा टेबल पार्क, बहुत बड़ा है ये, और इससे हैंडरसन ब्रिज भी जुड़ा है और तिलोक ब्रांगा हिल पार्क भी इसी से जुड़ा हुआ है। तो भाई वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर, और शेयर भी कर देना, और पसंद आ जाए तो घंटी का बेल आइकन भी दबा देना ताकि आने वाले और ऐसे वीडियो आपको मिल सके सिंगापुर के।